चलिए तो सर फिल्म देखी आप तीनों ने बरेली की बर्फी, कैसी लगी फिल्म? बॉबी भाई आपसे शुरू करते हैं। पिक्चर मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पिक्चर एकदम सिंपल है लेकिन पिक्चर एंटरटेनमेंट देती है पब्लिक। आयुष्मान खुराना का काम बहुत अच्छा है, कीर्ति का काम बहुत अच्छा है, पीयूष त्रिपाठी का भी काम बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस राजकुमार राव का। राजकुमार राव स्टील्स द एंटायर शो, इतना ज़बरदस्त काम किया उन्होंने कि पैसा वसूल काम। ठीक है, सो ओवरऑल इट्स अ वन टाइम वॉच, पैसा वसूल फिल्म। ओके लालू जी क्या कहेंगे फिल्म मैं के मानता हूँ साहब इनकी बात को मैं मानता हूँ कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई राजकुमार राव इज अ सीन स्टीलर, यू नो, बिल्कुल जैसे बढ़िया काम किया है उसने। अभी यस आई मीन आयुष्मान खुराना अपनी जगह बड़ा अच्छा काम किया है, कृति सैनन ब्यूटिफुल। एक मेजर एक सबसे बड़ा डिफेक्ट मेरे को इस पिक्चर में ये लगा कि जब क्लाइमैक्स में वो उसको कुछ बर्फ़ी या कुछ मिठाई खिलाना चाहती है कृति सैनन, उसके मुंह में उसने मिठाई या बर्फ़ी दे दी और पूछ रही है कि भाई कैसा रहा, तो कहता है कि फीकी थी। ओके, अभी यहाँ पर साहेब अच्छा खासा लंबा चौड़ा लिप लॉक देके फिर उसके बाद वो पूछती कि भाई तुमको कैसा लगा, उसके बाद उसका जवाब ना आते हुए भी वो उसको गोदी में उठा के दोनों हंस देते थे, यू नो, दैट शुड हैव बीन द क्लाइमैक्स ऑफ द पिक्चर। ओके विजय जी क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? बरेली की बर्फी मुझे तो फीकी लगी। क्यों, ऐसा क्यों? स्टोरी तो साजन पिक्चर की है, सलमान खान, माधुरी, संजय दत्त इसी लाइन पे चल रही है। उसमें तो सुपरहिट गाने थे, सुपरहिट पिक्चर थी, इसमें ना गाने अच्छे, एक्टर ठीक ठाक है, ना डायरेक्शन अच्छा है, ना स्टोरी लाइन अच्छी है, इसमें कुछ भी मज़ा नहीं आया। ना लव सीन है, ना आइटम नंबर है, ना एक्शन है, ना ही कॉमेडी है। दो घंटे की पिक्चर है फिर भी लोग बना नहीं पाए, पिक्चर बोर लगती है। प्लॉट कहाँ लूज कर रहा है, क्या लगा फिल्म देखते वक्त? पूरी फिल्म स्लो चल रही है, पूरी फिल्म स्लो चल रही है, बस ये खत लिख ये अपना डायरी बनाता है, नॉवेल बनाता है और कहीं इसका फोटो डालता है, मतलब वही साजन के टाइप ही है, कोई नयापन कुछ नहीं उसमें, लेकिन ये फिल्म बहुत स्लो है। अच्छा, आयुष्मान खुराना, कृति सैनन और हाँ आयुष्मान, राजकुमार, कीर्ति, एक्टिंग सब ठीक ठाक की, पर फिर मज़ा नहीं आया। कोई डायलॉग अच्छा नहीं है ना कि बोल सके क्या डायलॉग दे। ओके लालू जी किसका कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद आया? सी राजकुमार आई मीन राव, यू नो, ही एज आई सेड कि ही हैज़ स्टोलन द शो, यू नो, और आयुष्मान खुराना उसने भी बड़ा अच्छा ही काम किया है। यस, जैसे विजय जी ने कह दिया कि द रोमांस इज मिसिंग, यू नो, आजकल का ज़माना ये है कि भाई अनलेस एंड अंटिल देयर इज रोमांस एंड एंटरटेनमेंट, यू नो, अच्छा ये जो एटमॉस्फियर भी जो उन्होंने दिया है ना, इट इज़ क्वाइट अ डार्क एटमॉस्फियर, देयर शुड बी ब्राइटनेस, यू नो, द पिक्चर शुड लुक लाइवली, ऐसा मुझे लगता है। कुड हैव बीन ब्राइटर एंड नाइसर, यू नो, विद सम मौज मस्ती, यू नो, रोमांस वगैरह कुछ होना चाहिए, यू नो, देयर शुड हैव बीन समथिंग मोर टू इट। तो लेट्स सी, आई मीन आई कैन से दिस मच कि भाई दिस पिक्चर विल अपील मोर टू द क्लास ऑडियंस एंड मल्टीप्लेक्सेस। छोटे पिक्चर बनाते हो, छोटे स्टारकर्स लेते हो, छोटे से गाँव में फिल्म बनाई, अच्छी कॉमेडी, एक आइटम नंबर ऐसे बनाओ ना कुछ, तो लोगों को मज़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। अगर छोटे स्टार के उसका लेके स्लो फिल्म बनाओगे तो कैसे चलेगी? वैसे ही पहले ऑडियंस कम थी, बड़े स्टार का शो तो बात अलग है, फिल्म स्लो चल रही है अलग बात है, छोटे स्टार का उसको लेके आप ऐसी फिल्म बनाओगे तो कैसे चलेगी? होगी भाई, तीनों में से आपको किसका कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है? कैरेक्टर सबसे अच्छा तो राजकुमार राव का ही है और एक्टिंग भी सबसे अच्छी उनकी है, पर आयुष्मान खुराना, पीयूष त्रिपाठी, कीर्ति सैनन सब ने अच्छा ही काम किया, एवरीबडी इज़ गुड, समबडी हैज़ टू बी द बेस्ट, तो राजकुमार राव इज़ द बेस्ट। वो डायलॉग पिक्चर भी काफ़ी अच्छी है लेकिन वो हरियाणवी भाषा कुछ बोली है, शायद पब्लिक को कुछ इतना समझ में ना आए, लेकिन मुझे तो समझ में आए और डायलॉग काफ़ी अच्छी है। सर पाँच में से कितने स्टार्स देंगे आप? आपसे शुरुआत करते हैं। और पिक्चर के लिए 5 में से 3 स्टार, लेकिन राजकुमार को परफॉर्मेंस के लिए 5 में से 5 स्टार। क्या बात है लालू जी, अढ़ाई से तीन, यू नो, बिटवीन 2.5-3 आई कैन गिव यू द स्टार्स। यस। ओके विजय जी 5 में से 2 स्टार्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।